हेलो एंड वेलकम गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फिजिक्स वाला ऐप को आप अपने सिस्टम में कैसे रन कर सकते हो। मैं यहां पे विंडोज़ सिस्टम में आपको फिजिक्स वाला एप्लीकेशन को रन करके दिखाऊंगा। दोस्तों, वैसे विंडोज़ में अगर आपको यूज़ करना है फिजिक्स वाला का ट्यूटोरियल तो उसके वेबसाइट पे आप इजीली कर सकते हो, पर उसमें प्रॉब्लम ये है ना कि आप फिजिक्स वाला के लेक्चर तो आप देख सकते हो पर उसका जो ऑफलाइन फीचर है वो आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका कोई डाउनलोडिंग ऑप्शन नहीं है, वो सिंपली ऑनलाइन ही चलेगा, जिस पर डेटा कंजम्पशन ज़्यादा होता है और सभी के पास कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं होता है, तो उसके लिए एक इशू रहता है। दोस्त, इसी के लिए मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आप फिजिक्स वाला ऐप को विंडोज़ सिस्टम में कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया हूँ तो आपको दिखाता हूँ कैसे वो भी रन कर रहा है एग्जांपल के तौर पर। उसके बाद मैं आपका आगे वाला प्रोसेस भी बताऊँगा कि आप कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आप सिंपली एक एंड्रॉयड इम्यूलेटर डाउनलोड कर लो। जैसे मैं यहाँ पे मैं डाउनलोड किया हूँ ब्लूस्टैक, आप कोई भी कर सकते हो, बट मेरा सजेशन रहेगा कि ब्लूस्टैक ही करो, क्योंकि ये बेस्ट एंड्रॉयड इम्यूलेटर है और सभी एंड्रॉयड एमुलेटर थोड़ा क्रैश करता है यूज़ करते वक्त, लैग भी करेगा, बट ये वाला एंड्रॉयड एमुलेटर बेस्ट है मेरे अंदाज से। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो पर ये बेस्ट होगा। इसमें देखो, मैं यहाँ पे बहुत सारा एप्लीकेशन अभी एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया हूँ, और जैसे मैं फिजिक्स वाला खोल के दिखाऊँ तो जैसे भी आप एंड्रॉयड में यूज़ कर सकते हो वही आपको सारा फीचर मिलेगा। बस ये जो इसका लेआउट है वो टैबलेट फॉर्म में होगा, टैब के साइज में होगा, इसका रेजोल्यूशन थोड़ा बढ़ा हुआ है क्योंकि ये डेफिनेटली एक लार्ज स्केल स्क्रीन पे खुल रहा है, तो उसी के अनुसार ये एडजस्ट हो चुका है। आप देख सकते हो जैसे फिजिक्स वाला ऐप खुलता है वैसे ही पूरा है। यहाँ पे आपको टोटल ऑफलाइन लेक्चर भी मिल, ऑफलाइन भी आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो जितना मैं ऑफलाइन किया हूँ, कुछ लेक्चर्स का है, ऑप्टिक्स का लेक्चर, तो यहाँ पे आप जितना फीचर आपको एंड्रॉयड ऐप में मिलता है सारा का सारा फीचर आपको इस इम्यूलेटर के थ्रू आप उठा सकते हो उसका लुफ्त। और दोस्त, ऐप डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर का यूज़ कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर जैसे आप अपने एंड्रॉयड में खोलते हो सिंपली वही सारा इंटरफेस यहाँ पे भी यूज़ होने वाला है। तो आप कोई भी एक जीमेल आईडी से लॉगिन हो जाना तभी ये खुलेगा, और यहाँ पे सर्च कर लो फिजिक्स वाला PHYSICS, ऑलरेडी आ जाएगा सजेशन में फिजिक्स वाला, दैट्स द पॉपुलर ऐप फॉर ऐप ऑफ अलग पांडे से। तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर लेना ये एप्लीकेशन को डायरेक्ट प्ले स्टोर से। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है। उसके लिए आपको कोई भी वेब ब्राउज़र खोल लेना है, यहाँ पे सिंपली सर्च करना है डाउनलोड ब्लूस्टैक 4, ये आप सर्च करो सिंपली गूगल पे, और उसके बाद फर्स्ट वेबसाइट आएगा bluestack.com का, उस पर आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करो वो कुछ इस तरह का आपके फर्स्ट इंटरफेस आने वाला है। यहाँ पे डायरेक्ट मत क्लिक करना, यहाँ पे सेलेक्ट करना पहले आप ऑप्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम में आप सेलेक्ट कर लो यहाँ पे विंडोज़ 32 बिट और 64 बिट, ये आप कौन से बिट पे आप अपना विंडोज़ चला रहे हो इस पर डिपेंड करता है। मोस्टली मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर अब 64 बिट पे ही रन करता है, अगर नहीं तो आप सर्च कर सकते हो कि आपका सिस्टम कौन से बिट पे भी रन कर रहा है। अगर आप एप्पल का डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आप नीचे मैक चूज़ कर सकते हो, पर अभी मैं विंडोज़ के लिए बता रहा हूँ तो मैं विंडोज़ 64 बिट यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। एंड्रॉयड आर्किटेक्चर यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए कर रहा है तो आप सिंपली यहाँ पे 64 बिट सेलेक्ट कर लो, उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करो। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो उसका एक छोटा सा फाइल डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, बट ये रियल फाइल नहीं है, मेन फाइल यहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा। जैसे मैं इसको ओपन किया ना, इसको परमिशन देता हूँ, देखिए जैसे ही आप यहाँ पे खोलोगे तो मेरा तो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे अपडेट नाउ का, बट जब आप खोलोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा डाउनलोड करने के लिए। करीब करीब वो फाइल 400 से 500 MB का होगा जो आपका फाइल होगा। उसके बाद जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे वो कुछ टाइम लेगा, डाउनलोड हो जाएगा और सिंपली वो इंस्टॉल कर लेगा, ज़्यादा आपको उसमें कोई टेक्निकल वर्क नहीं करना पड़ेगा। आप उसको इंस्टॉल करने के बाद एक और प्रॉब्लम फेस कर सकते हो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का, तो मेरा एक वीडियो है इस पे डेडिकेटेड। अगर आप इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही इसको लॉन्च करते हो
जैसे ही लॉन्च करोगे तो आपके पास दो एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, दो एप्लीकेशन आपके पास इंस्टॉल होगा, एक ये ब्लू स्टैक होगा और एक इसका एंड्रॉय इमुलेटर होगा। जैसे ये एप्लीकेशन के ऊपर ही ये एप्लीकेशन रन कर सकता है, ये कोर एप्लीकेशन है, इसके ऊपर ये वाला एप्लीकेशन रन करता है और इसके ऊपर आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन करता है, तो दो एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा। और जैसे ही आप इसको लॉन्च करोगे, अगर आपके पास कोई एरर आ रहा है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का, इसको रन करने के लिए दोस्त आपको एक ऑप्शन इनेबल करना पड़ता है आपके सिस्टम पे, जिसका नाम है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। अगर आपका वो प्रॉब्लम आ रहा है तब वो करना है, अदरवाइज नहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है इसको लॉन्च करने के बाद तो कोई बात नहीं, आप सिंपली यूज़ कर लो। जैसे मैं अगर आपको चेक करना है कि आपका सिस्टम में हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन इनेबल है कि नहीं, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपके स्टार बार पे आना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको टास्क मैनेजर ऑप्शन पे जाना है और टास्क मैनेजर ऑप्शन पे जैसे ही जाओगे तो आपको आना है यहाँ पे परफॉर्मेंस में। फर्स्ट में प्रोसेस रहेगा और सेकेंड में परफॉर्मेंस है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप आओगे तो आपका CPU का जो भी यूजेज है, करंट यूजेज, वो सारा आ जाएगा। और नीचे देखना दोस्त, यहाँ पे लिखा हुआ होगा वर्चुअलाइजेशन इनेबल्ड। अगर आपका डिसेबल्ड है, आपको पहले चेक करना है इनेबल है या डिसेबल्ड है। अगर आपका डिसेबल्ड है तो आपको पहले उसको इनेबल करना है, और इनेबल कर जैसे ही कीजिएगा तो आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाला है ये एप्लीकेशन यूज़ करने में। दोस्त आप एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर यूज़ करने जा रहे हो, जिसके लिए ये ज़रूरी होता है कि हार्डवेयर परमिशन लिया जाए, तभी आप कोई और एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। इसमें सारा फीचर तो आपको एंड्रॉयड का ही मिलेगा, जैसे मैं आपको दिखाया अभी, मैं यूट्यूब भी इंस्टॉल किया हूँ, पिकार्ट और भी बहुत सारा एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ हूँ। और दोस्त उसको इनेबल करने के लिए हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन आपको सिस्टम के बायोस में जाना पड़ता है, और बायोस में जाने के बाद ही वो आप ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। अगर आपको ये एरर आ रहा है तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हो, उसमें मैं बताया हूँ कि आप कैसे वो ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो सिस्टम में। और हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा प्रॉब्लम आता है जनरली सभी को ये वाला इनेबल में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो कर लेना, अगर यूज़ करना है तो फिर करना पड़ेगा, और तुरंत ही डीमोटिवेट होके वैसे ही छोड़ मत देना, थोड़ा दिमाग लगाओ और खोलो अपने सिस्टम को और पता करो कहाँ से उसको इनेबल कर सकते हो। वैसे वो वीडियो में काफ़ी तुम्हारा हेल्प हो जाएगा, बट अगर नहीं होता है तो और भी इंटरनेट पे ब्लॉग्स, आर्टिकल, वीडियोस देखो, वो ऑप्शन सिर्फ आपको इनेबल करना है। वो ऑप्शन इनेबल हो जाएगा तो आप सारा एप्लीकेशन विंडोज़ का, एंड्रॉयड का विंडोज़ के ऊपर रन कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, थैंक यू।